हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 4 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और उसकी क्या क्या कंडीशंस है, उन कंडीशंस का ग्राफ कैसे बनेगा, कंसिस्टेंट होगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हम पार्ट फर्स्ट इसके साथ जस्ट पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अब हम इसके ठीक आगे बढ़ेंगे, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं हम। क्या है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, आपको ग्राफ बनाने होंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, इन लीनियर इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, वो आपको बताना होगा ग्राफिकली, है ना, ग्राफ बना के फिर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन इक्वेशन में से इसकी एक टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को रखना है LHS में, बाकी सबको शिफ्ट कर देना है RHS में। तो यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे LHS में, इक्वल के अंदर आ जाएगा 3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस y। तो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को LHS में रखा, बाकी सबको RHS में शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे, x और y में एक टेबल बना लेते हैं हम। अब आपको यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि आपके पास में x आ जाए। आप अपनी इच्छा से अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे आप 0 पुट करें, चाहे 1, 2, चाहे -1, -2, कुछ भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 3 - 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें कितना मिला, x की वैल्यू 3 मिली। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट हो गई। सेकंड, अब हम क्या पुट करें, y इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। आप चाहो जो पुट करो, आपकी इच्छा, मैंने यहाँ 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 3 - 1, x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 1 पुट की हमने तो हमें x इज इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। फिर हम x y इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद में 2 भी पुट कर सकते हैं, और चाहे तो नेगेटिव वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 1 के बाद में -1 पुट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस, और ये -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 1 = 4, x इज इक्वल टू 4 मिला हमें जब y की वैल्यू हमने -1 पुट करी। अगर आपको माइनस में कन्फ्यूज़न होता है तो आप 2 पुट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x - 2y = 4। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3x इधर LHS में रखेंगे, ये इक्वल के बाद में 4 है इसलिए 4 लिखना पड़ेगा पहले, फिर इधर से इधर शिफ्ट होगा, माइनस से इधर से आया इधर तो प्लस में हो गया चेंज। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर तो x के साथ में कोई नंबर नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पर x के साथ में नंबर है तो आपको वेरिएबल सिंगल रखना है, कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए उसके। तो यहाँ पर x के साथ में 3 है तो इस 3 को भी हम शिफ्ट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 + 2y / 3। इस तरह से आपको x या y की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब हम टेबल बनाएंगे इसकी, और इस टेबल की आपको 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे हमने इधर फाइंड किया है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर हमको अपॉन में 3 है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इन दोनों को प्लस करने के बाद में वो 3 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, ऑरली एक को देख लेना एक आपको, कि अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 2 × 0 ये तो पूरा हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, 4, और अपॉन में क्या है, 3, तो 3 की टेबल से 4 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में हम वैल्यूज़ नहीं लेंगे क्योंकि हमको ग्राफ में वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए पॉइंट वाली वैल्यूज़ को आप स्किप करो, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम y की वैल्यू 1 पे आ जाते हैं, 1 पुट करें तो 4 + 2 = 6, और 3 की टेबल पे 6 आते हैं, इसलिए हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ओके। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर x इज इक्वल टू 4 + 2 = 2 / 3, 4
4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 3 करेंगे कितना आएगा 2। तो हमने जब y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 2 मिला। फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू डिसाइड करते हैं हम कि 1 के बाद माइनस 1 को भी चेक कर लेते हैं। माइनस 1 अगर पुट करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, और 3 की टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए हमें यहाँ माइनस 1 नहीं रखना है। अब हम आ जाते हैं 1 के बाद में 2 पर। 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता इसलिए नहीं रखना। फिर अगर हम माइनस 2 रखें तो माइनस 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, और 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए हम यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2 सॉरी यहाँ पर आएगा 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर 2 टू जा 4 और प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर हमें मिला x इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू। अब थर्ड, हमने 1 पुट कर दिया, 2 से हमने चेक करा नहीं आ रहा था, अब हम 3 को चेक कर लेते हैं। 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10, 3 की टेबल में 10 नहीं आता है। माइनस अगर 3 पुट करें तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो ना तो 3 से आ रहा है ना माइनस 3 से, दोनों को हमें छोड़ना पड़ेगा। 4 पे आ जाते हैं, 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 12, 3 की टेबल में 12 आता है, इसलिए हम y इज इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू 4 पुट करने पर हमें x की वैल्यू मिली है 4। तो इस तरह से आपको ग्राफ के लिए ये दोनों टेबल्स बनानी होगी। ठीक है, इन टेबल में हमने वैल्यूज़ कैसे फाइंड की वो आपको बता दिया मैंने, अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफ। ग्राफ आप सभी बना चुके हैं, ग्राफ कैसा होता है सभी जानते हैं, बनाते कैसे है देखिए। सबसे पहले जो हमारा ग्राफ पेपर होगा उसके सेंटर में आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन भी ये वाली कहाँ ड्रॉ करनी है, पेंसिल से जो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन लाइन उसी पे, जो लाइट ग्रीन लाइन है उस पर नहीं करना। डार्क ग्रीन लाइन के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन जो कि होगा वाई एक्सिस, तो यहाँ लिखना है वाई और यहाँ लिखना है वाई डैश। डैश का मीनिंग होता है इधर डैश की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी, माइनस वाली वैल्यूज। फिर सेंटर में आपको इस तरह से आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो जाएगा एक्स और यहाँ आएगा एक्स डैश। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमेशा वाई एक्सिस। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ग्राफ पे आपको इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करने हैं पेंसिल से। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर हमको सबसे मैक्सिमम 4 तक वैल्यू चाहिए, और y एक्सिस पर हमें माइनस में भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए 4 तक। तो हम यहाँ पर जो नंबर्स लिखेंगे x एक्सिस पर, यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखना कहाँ पर है, जो डार्क ग्रीन लाइन है ना वहीं पे लिखना है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से मार्क करके 1, फिर दूसरी डार्क लाइन पर 2, फिर 3, फिर 4। हमें x एक्सिस पर माइनस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने डैश लगाया है तो यहाँ पर एक नंबर को लिख के आप शो कर दीजिए कि इधर सारी वैल्यूज़ कौन सी आती है, माइनस वाली वैल्यूज आती है। फिर y एक्सिस के ऊपर भी इसी तरह से आपको लिखना है, यहाँ मार्क कर दिया 1 2 3 4, माइनस में भी -1 -2 -3 -4। ध्यान रखना माइनस की वैल्यू इधर नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी हम ये मार्क कर रहे थे, इधर लिखने से वो माइनस है ना कन्फ्यूजन होगा, तो माइनस वाली वैल्यूज को इधर लिखो ताकि पता चले कि हाँ आपने नेगेटिव वैल्यूज लिखी यहाँ पर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले हमारी फर्स्ट टेबल को लेंगे हम, और फर्स्ट टेबल के इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट टेबल में फर्स्ट वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू तो 0 है, वाई की वैल्यू ही नहीं वहाँ पर, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर 3 लिखा है
वहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट बना के और सर्कल बना देना है और लिख देना है 3 और 0। हमने किसका पॉइंट प्लॉट किया है, 3, 0 कोऑर्डिनेट लिख दी हमने। फिर सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 2 ये रहा और y एक्सिस का 1 ये रहा, तो ये दोनों 2 और 1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। थर्ड वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। एक्स एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पर -1, तो ये वो 4 और ये -1, ये दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, 4 एंड -1। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे, तो इसको हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस लाइन के इक्वेशन आप लिख देंगे x + y = 3। ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन, ताकि मालूम चल जाएगा ये लाइन जो बनी है वो कौन सी इक्वेशन की बनी है, फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट वैल्यू है इसकी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है इसलिए इसके ऊपर हम डबल सर्कल बना देंगे, ताकि मालूम चलेगा ये कॉमन है दोनों में। फिर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू तो है ही नहीं, y एक्सिस के ऊपर जहाँ -2 है वहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर भी 4, ये 4 और 4। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, आगे आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा ग्राफ और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, 3x - 2y = 4। आप देख सकते हैं लाइंस कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। और एक और चीज़ हम यहाँ भूल चुके हैं, क्या रह गई है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर स्केल लिखना होता है। स्केल लिखने का प्रोसेस क्या है, एक तो ऑन एक्स एक्सिस होता है, एक ऑन वाई एक्सिस। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 cm = हमने यहाँ पर x एक्सिस पर कितने कितने का गैप लिया, 1-1 का, तो 1 cm = 1 unit। एंड ऑन y एक्सिस 1 cm = 1 unit। x एक्सिस पर भी यही स्केल था 1 unit का और y एक्सिस पर भी 1 cm = 1 unit। तो ये पूरा प्रोसेस आपके एग्ज़ाम में आएगा और कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। ठीक है, लास्ट में आप यहीं पे लिखोगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में लिखा आप लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 2x - y = 4 and x + y = -1। ये दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है और इसको सॉल्व करना है हमें ग्राफिकली। फर्स्ट हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए x और y की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में x को LHS में रखा, अब यहाँ पर देखो x के साथ में 2 है और y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे नंबर को LHS में रखें जिससे हमको डिवाइड नहीं करना पड़े। तो हम यहाँ पर क्या करें, इस y को रखते हैं इधर, या फिर इस y को इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 2x, ये प्लस y इधर आएगा -4 और ये -y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम x के वैल्यूज पुट कर देंगे। अब चाहे आप इसको इधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ऐसा भी लिख दूंगी y = 2x - 4, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सिर्फ चेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, y को इधर लिख दिया और x वाली वैल्यूज को 2x - 4 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम टेबल बना लेते हैं इसकी, x और y की 3 वैल्यूज चाहिए हमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 माइनस 4,
तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस फोर। तो हमने x इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस फोर। फिर हम पुट करते हैं वन, x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू वन टू इंटू वन, है ना, यहाँ टू है तो टू इंटू वन माइनस फोर। तो टू माइनस फोर, टू माइनस फोर करने पर कितना होगा, माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू वन पुट किया हमने तो वाई इज इक्वल टू हमें मिला माइनस टू। फिर थर्ड वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, चाहे तो आप टू पुट कीजिए चाहे आप माइनस वन पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम माइनस वन पुट करें तो वाई इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन और माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस सिक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पर हमें मिला माइनस सिक्स, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वाई इज इक्वल टू आगे हमारे पास में माइनस सिक्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट। सेकंड वाले में एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस इधर जाएगा माइनस वाई, ठीक है। अब हम टेबल बना लेते हैं इसकी भी। x और y में थ्री वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू हम शुरू करते हैं y इज इक्वल टू जीरो से। y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन और ये माइनस जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे हमें क्या मिला, सिर्फ माइनस वन। फिर नेक्स्ट वैल्यू सेकंड, जब हम y की वैल्यू वन पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टू। y इज इक्वल टू वन पुट करने पर हमें मिला माइनस टू। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू टू पुट कर सकते हैं या फिर माइनस वन पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस वन, फिर ये माइनस और यहाँ पर वापस माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया जब वाई की वैल्यू हमने माइनस वन पुट की। इस तरह से हमें हमारी टेबल कंप्लीट करनी है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये है वाई एक्सिस और इधर ये हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पर हो जाएगा ओरिजिन ओ। अब x एक्सिस पे आप देख सकते हैं माइनस वाली वैल्यूज है, प्लस में दोनों में है, तो आप इधर तो सारी प्लस में वैल्यूज लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, इधर आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। फिर y की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखनी है, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन की टेबल है, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू माइनस फोर। एक्स एक्सिस पर जीरो है और y एक्सिस पर माइनस फोर चाहिए, तो y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर माइनस फोर है, तो यहाँ पॉइंट प्लॉट कर देंगे हम, जीरो एंड माइनस फोर। नेक्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये दोनों पॉइंट्स यहीं मिलेंगे, वन एंड माइनस टू। फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू माइनस सिक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और यहाँ माइनस सिक्स और चाहिए, तो माइनस फाइव और माइनस सिक्स लिख देते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस वन और y इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन एंड माइनस सिक्स। फिर इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है। अब सेकेंड वाली टेबल, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं हम। क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। फिर सेकेंड टेबल है x इज इक्वल टू माइनस वन और y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस वन एंड ज़ीरो। फिर x इज इक्वल टू माइनस टू और y इज इक्वल टू वन, माइनस टू और y की वैल्यू वन, तो ये माइनस टू एंड वन। थर्ड है x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये ज़ीरो एंड माइनस वन। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है,
ठीक है, और इसके इक्वेशन लिख देंगे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। स्केल लिखना है हमें ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, दोनों में हमने 1-1 का गैप लिया इसलिए 1-1 यूनिट का हमने स्केल लिख दिया। नेचर ऑफ फ्रूट्स यूनिक सॉल्यूशन है, और हमारा यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट पर ही हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 एंड वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर भी आपको शो करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी हमें पहले इसकी टेबल बनाने के लिए x और y को फाइंड करना होगा। फर्स्ट x इज इक्वल टू 5, ये इधर शिफ्ट होगा -y। ठीक है, टेबल बना लेते हैं इसकी हम। 3 वैल्यूज हमें चाहिए x और y में। फर्स्ट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 माइनस 0 कितना होगा 5, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें मिला 5। सेकेंड वैल्यू y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना मिलेगा 4, y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें मिला 4। एंड थर्ड इज y इज इक्वल टू 2 पुट करने पर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना मिलेगा हमें 3, y की वैल्यू 2 पुट करी हमने तो हमें x इज इक्वल टू 3 मिला। ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब सेकंड वाली टेबल यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 2, चाहे तो आप कॉमन ले लो ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, और इक्वेशन सेम है इसका मतलब कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 सबके सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। इफ़ ऑल a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 आर इक्वल, देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड लाइंस आर कॉन्साइड। लाइंस कैसी होगी, ओवरलैप करती हुई। तो यहाँ पर भी हमको टेबल तो शो करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, और सेम टेबल आप इधर बना दीजिए। ठीक है, x और y में जैसा इधर लिखा है हमने वैसा इधर भी लिख देते हैं, 5 0 4 1 3 2। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, x और y में, ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट हम x एक्सिस के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारा x एक्सिस में और y एक्सिस में कोई माइनस में ही नहीं, तो हमारा ग्राफ पूरा पॉजिटिव बनेगा, प्लस में बनेगा। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये 5 और 0। फिर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, 4 एंड 1, ये 4 एंड 1। फिर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, 3 एंड 2, और दोनों की वैल्यूज सेम है इसलिए आपको बार बार प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर डबल सर्कल कर देना ताकि मालूम चले कि ये जो पॉइंट्स हैं वो दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इनके ऊपर डबल सर्कल किया है। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इक्वेशन आप दोनों के लिख देना, x प्लस y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस
इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब कि जितनी भी वैल्यूज आप निकालोगे वो सब के सब इन इक्वेशंस के क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। स्केल लिखेंगे इसका, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पूरा ग्राफ कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x के साथ में 3 है और y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को सेपरेट कर देंगे और इक्वल के बाद में 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे और इस 3x को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3x। ऐसा करने से क्या होगा, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारी वैल्यूज आ जाएगी, टेबल बन जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो हम x और y में टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 0 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें y इज इक्वल टू 2 मिला। फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, x इज इक्वल टू 1, 3 वन जा 3, 2 माइनस 3 करेंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 करने पर हमें कितना मिला, -1। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू हमें मिला -1। फिर हम चाहे तो -1 पुट करो और चाहो तो 2 पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2 पुट किया यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 करने पर कितना मिलेगा, -4। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमें मिला है y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2x इज इक्वल टू 5 ये इधर आएगा प्लस 3y, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y अपॉन 2। अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करके टेबल बनाएंगे और 2 से डिवाइड भी करना होगा हमें यहाँ पर x और y। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 3 इंटू 0 0, कितना बचा हमारे पास में 5, और 2 से डिवाइड होगा नहीं इसलिए हम 0 पुट नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, 3 बनजा 3, 5 प्लस 3 8, और 2 की टेबल में 8 आता है इसलिए हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4। y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें x इज इक्वल टू 4 मिला, फर्स्ट वैल्यू हो गई। फिर -1 पुट करें तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा और अपॉन 2, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 करने पर हमको कितना मिला 1। तो y इज इक्वल टू -1 पुट करने पर हमें x इज इक्वल टू 1 मिला। थर्ड वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, 2 को चेक करेंगे, 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11, और जब माइनस पुट करेंगे तो -6 प्लस 5 -1, तो 2 से दोनों डिवाइड नहीं होना, तो प्लस 2 हो रहा है ना -2, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। 3 पे आ जाते हैं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 करेंगे 14 आएगा और 2 की टेबल में 14 आता है, तो इसका मतलब कि 3 यहाँ पर पॉसिबल है। y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 5 प्लस 9 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 ये हो गया 7। y इज इक्वल टू 3 पुट करने पर हमें मिला है 7। ओके, अब हम हमारा ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस में, ये y, y डैश, x एंड x डैश। x एक्सिस पर तो नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो आप चाहो तो आप नेगेटिव शो ही मत करो यहाँ पर डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर, लेकिन शो करोगे तो यहाँ पर एक नंबर लिख देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये ओरिजिन, x एक्सिस पे सबसे मैक्सिमम 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
माइनस में कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ माइनस वन लिख देते ताकि मालूम चल जाए इधर के साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। फिर y एक्सिस पर हमें माइनस भी चाहिए प्लस भी चाहिए, दोनों साइड लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and -4। स्टार्ट करते हैं ग्राफ। सबसे फर्स्ट टेबल है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा ये 0 एंड 2। फिर सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर -1, ये दोनों पॉइंट्स यहीं मिलेंगे 1 एंड -1। फिर थर्ड है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -4। -4 कहाँ आएगा, यहाँ नीचे है ना, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -4। तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास में। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसकी इक्वेशन लिख देनी है हमें 3x + y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट हो गई टेबल कम्प्लीट। सेकेंड टेबल x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ये 4 और y इज इक्वल टू 1, 4 एंड 1। फिर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, 1 एंड -1, ये कॉमन है इसलिए डबल सर्कल होगा। और थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कहाँ आएगा ऊपर, तो ये 7 एंड 3। तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास में। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। इसकी भी इक्वेशन लिख देंगे हम 2x - 3y इज इक्वल टू 5। और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू कितना है, हमारी जो लाइंस कट रही है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 1 एंड -1। तो फर्स्ट वैल्यू x के लिए होती है और सेकंड वैल्यू y के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, ये है हमारा आंसर। ठीक है, और स्केल लिखना है हमें ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये पूरा प्रोसेस हमारा ग्राफ बनाने का कंप्लीट हो गया। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।